जीवन, आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मेडिसिन जहां पे भी आती है तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा यूज देखने को मिलता है। किडनी स्टोन में फिर हमारी गाउटी कंप्लेंट्स हो गए, रूमेटिज्म हो गया, इसका एक्शन हमें बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इस मेडिसिन को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बर्बेरिस वल्गेरिस, इसका कॉमन नेम क्या हो गया? बर्बेरी। इसकी फैमिली हो गई बर्बेरिडेसी। जैसे ही आप बर्बेरिडेसी फैमिली की बात करते हैं तो आपको एक मेडिसिन याद होनी चाहिए, पोडोफाइलम। अगर हम AIPGT के हिसाब से देखें तो ये पूछा जा सकता है कि बर्बेरिडेसी फैमिली की मेडिसिन कौन सी है, तो आपकी हो गई पोडोफाइलम, ठीक है। एंड बर्बेरिस वल्गेरिस तो है ही। अब हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका पर्सन जो होगा ना, उसमें रूमेटिक एंड गाउटी कंप्लेंट्स देखने को मिलेगा। मींस क्या हो गया, हमें जोड़ों का दर्द देखने को मिलेगा। वो हमारे लार्ज ज्वाइंट्स भी हो सकते हैं, जैसे हमारा शोल्डर ज्वाइंट हो गया, नी ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, फिर हमारी स्मॉल ज्वाइंट्स भी हो सकती हैं, जैसे हमारी रिस्ट ज्वाइंट हो गई। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन में जोड़ों का दर्द बना हुआ है, उसके साथ यूरिनरी कंप्लेंट्स देखने को मिल रहा हो, मीन्स क्या हो गया कि यूरिन पास आउट करने में दिक्कत हो रही है, बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, कई बार ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, तब आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये जो होता है गाउटी कंप्लेंट्स के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। गाउटी में क्या करता है, ये जो हमारी लास्ट टो होती है, जिसको हम अंगूठा बोलते हैं पैर का, उसको इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। अगर ऐसा हो और यूरिनरी कंप्लेंट्स देखने को मिले, तब भी आप बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में सोच सकते हैं। अब हम इसके सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। इसका जो पर्सन होता है उसका फेस जो होगा ना, बहुत ज्यादा पेल होगा, मतलब हल्का पेलनेस देखने को मिलेगी, अर्थी कॉम्प्लेक्शन होगा, सनकिन होंगे, एकदम चपके हुए रहेंगे, उसके साथ ब्लू रिंग अराउंड द आई, जिसे हम डार्क सर्कल कहते हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आया होगा, अगर कोई पर्सन है एकदम पेल जैसा दिख रहा है, ब्लू रिंग देखने को मिल रही है, मतलब बीमार जैसा अगर उसका फेस का प्रेजेंटेशन है, तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस दे सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे डार्क सर्कल की बात कर लेते हैं। तो डार्क सर्कल के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर फॉर्म में लेके ग्लिसरीन के साथ ऐड करके उसको अपने अंडर आईज में नाइट में फेस वॉश करने के बाद लगाना है। ऐसा आप 10 से 15 दिन करेंगे, आपको डेफिनेटली डार्क सर्कल में रिलीफ देखने को मिलेगा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसका जो पर्सन होता है उसमें हमें ना बहुत ज्यादा किडनी से रिलेटेड कंप्लेंट्स देखने को मिलती है। मीन्स क्या होगा, किडनी कहाँ पे लोकेटेड है, हमारी फ्लैंक रीजन, ये जो एरिया होता है, ये फ्लैंक एरिया हो गया, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है लेफ्ट किडनी का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। किडनी का इन्वॉल्वमेंट है ही, लेकिन उसके साथ हमें लीवर का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पर्सन होता है बिलियस कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगे, मतलब कहीं ना कहीं बाइल जो होता है बढ़ा हुआ, तो वो बाइल जो है हमारा कंजुगेटेड बिलिरुबिन भी हो सकता है एंड अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन भी हो सकता है। तो यहाँ पे बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, जॉन्डिस का प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। अगर किसी पर्सन में बार बार टेंडेंसी है जॉन्डिस होने की, अब जॉन्डिस है, बॉडी में बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो क्या होगा, हमें स्किन में इचिंग देखने को मिलेगी, और उसके साथ इचिंग देखने को मिल रही हो, पर्सन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, यूरिन पास आउट करने में बर्निंग हो रही है, अगर छोटा बच्चा है तो यूरिन पास आउट करने से पहले रो रहा है, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको बर्बेरिस वल्गेरिस 30 का यूज करना है। तीन तीन गोली आप 3 बार लेंगे, 15 मिनट आगे पीछे कुछ भी नहीं लेंगे। अब हम इसके किडनी सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेनली हमें लेफ्ट किडनी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो जो लेफ्ट किडनी होती है वहां पे क्या होता है, पर्सन को बहुत ज्यादा नमनेस जैसी फीलिंग आती है, बर्निंग होती है, एकदम इचिंग होती है, उसके साथ बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसा लगता है उसको कोई मारा हो, इतना ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। और लेफ्ट किडनी में अगर किसी पर्सन में स्टोन प्रेजेंट है, तब भी आप इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। ये क्या करता है, स्टोन को जो होता है ना, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करने में हमारी हेल्प करता है। तो अगर किसी पर्सन में लेफ्ट साइडेड स्टोन है, उसके बाद जो पेन है किडनी से स्टार्ट होकर यूरेटर में आता है, यूरेटर के बाद हमारा क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर उसके बाद यूरेथ्रा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ अगर दर्द आ रहा है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में या डाउनवर्ड तरफ अगर पेन आ रहा है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 पोटेंसी में यूज करना है। यहाँ पे 3-3 गोली 3 बार लेंगे। आप मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप यूज कर रहे हैं, 10 बूंद दवा की आधे कप पानी में 2 बार लेना है आपको। इससे आपको डेफिनेटली किडनी
स्टोन में रिलीफ देखने को मिलेगा और स्टोन एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा यूरिन के थ्रू। अब हम स्टोन की बात कर रहे हैं तो स्टोन के लिए और भी हमारी मेडिसिन है, जैसे मेडोराइनम हो गई। मेडोराइनम में भी लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसकी एक खासियत है कि उसको स्टोन के साथ ना क्रेविंग होती है आइस की, मतलब बर्फ खाने की अगर इच्छा हो रही है, स्टोन का दर्द हो रहा है, दर्द जो ना यूरेटर में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है कि स्टोन ना नीचे आ रहा है, तो आप मेडोराइनम के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे मेडोराइनम को आप 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 3-3 गोली 3 बार, 15 मिनट आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब हम राइट साइडेड किडनी स्टोन की बात कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन को राइट साइड के किडनी में स्टोन हो गया है, स्टोन का जो है दर्द इतना ज्यादा सहनी है कि पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से यूरिन पास आउट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लाइकोपोडियम के बारे में सोचेंगे। लाइकोपोडियम में राइट साइडेड स्टोन देखने को मिलता है और ये राइट टू लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, मींस पहले राइट में था स्टोन फिर लेफ्ट में हो गया, या फिर राइट से लेफ्ट में, या फिर दोनों किडनी में देखने को मिल रहा हो, तो आप लाइकोपोडियम के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे यूरिन रेड सैंड यूरिन हो जाएगा। लाइकोपोडियम 30 का यूज करेंगे, 3-3 गोली 3 बार, 15 मिनट आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं लेना है। अब हम सार्सपरिल्ला से भी कंपेयर कर लेते हैं। सार्सपरिल्ला भी किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को राइट साइडेड स्टोन हो जाए और स्टोन जो है यूरेटर में और ऐसा लग रहा कि नीचे आ रहा है, तो आप सार्सपरिल्ला के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे भी 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 3-3 गोली 3 बार आपको लेनी है। ऐसा आप 15 से 20 दिन करेंगे, आपको डेफिनेटली रिलीफ देखने को मिलेगा और 2 से 3 महीने में आपका स्टोन एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा। और अगर किसी पर्सन में दोनों किडनी में स्टोन फॉर्म हो गया हो, तो आप कैंथेरिस के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अब हम बर्बेरिस वल्गेरिस में वापस आ जाते हैं, तो इसमें और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पहले तो स्टोन हो गया, बबलिंग सेंसेशन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया। बबलिंग सेंसेशन अगर किडनी में देखने को मिल रहा है, तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में सोचेंगे। और उसके बाद पर्सन में स्टिचिंग कटिंग टाइप का पेन देखने को मिलता है, पेशेंट का यूरिन जो होता है ग्रीन हो जाता है, म्यूकस हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है और कई बार हमें पेनफुल यूरिन भी देखने को मिलता है। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप बर्बेरिस वल्गेरिस के बारे में सोचेंगे, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन में कोलिक पेन हो रहा हो, मतलब पेट में दर्द हो रहा है गॉल स्टोन की वजह से, गॉल स्टोन अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो तब भी आप बर्बेरिस वल्गेरिस का यूज कर सकते हैं। लेकिन गॉल स्टोन के लिए फेल्टोरी भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप फेल्टोरी 3x में भी यूज कर सकते हैं, 6x में भी यूज कर सकते हैं, दिन में 2-2 बार गोली लेंगे, 2 गोली 2 बार, आपको डेफिनेटली गॉल स्टोन में रिलीफ देखने को मिलेगा। मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट किया है और मैं मेडिसिन भी डिस्पैच करती हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर प्रेमवती यादव। थैंक यू फॉर